से के कर दिया, हमारे कसम को मार दिया। अरे अरे कीड़े पड़े तुम पे, मार दिया गरीब को, मार दिया। अरे मैं भी मर जाती हूँ। अरे चढ़ा दो हमारे ऊपर से गाड़ी, मैं भी मर जाऊंगी अपने कसम के साथ। अरे का कर दिया। अरे अरे चोरी, ये समझना कि थारी धमकियों से डर गई मैं। तुम्हारे सर को जानती हो या कमिश्नर को? है बुला जिसको बुलाना है, मैं नहीं डरती, पर तू ना जावेगी यहाँ से। हमारे पति को तूने मारा है, मार दिया। आज तो तू रहेगी या मैं रहूंगी, है? आज तो फैसला यहीं पे होके रहेगा। हमारी अकेले की आवाज ना से, सारे गरीबों की आवाज से, जिनको तुम अमीर लोग अपने पैसों तले दबा देते हो। है मैं नहीं डरती तुमसे, आज तो फैसला होके रहेगा, बुला जिसको बुलाना है। ये ड्रामा तो आंदोलन में बदलता जा रहा है, कहीं शोर शराबे में पुलिस ही ना आ जाए। पुलिस आने पे क्या करना है, ये तो प्लान किया ही नहीं। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। फोन पर तो कहा था कि ऑपरेशन ठीक हो गया है, बस आते ही होंगे। ये लीजिए, आ गए। दादी। मैं अच्छी हूँ। कैसी तबीयत है अब आपकी? ऑपरेशन ठीक से हो गया ना? हाँ हाँ, ऑपरेशन बिल्कुल बढ़िया हो गया, बस कुछ दिन चश्मा पहनना पड़ेगा। ये चश्मा मार्चनी डॉक्टर को मैंने बोला था, ये चश्मा लगाना की जरूरी तो नहीं है ना, पर नहीं हो कितनी लगाना ही पड़ेगा। अब सब लोग मुझे कहेंगे फैशन चढ़ा हुआ मुझे। वैसे दादी आप भी चश्मे में ना बहुत हॉट लग रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे किस सही कह रही है। कुछ दिन की बात है, चश्मा लगाना है जरूरी है क्योंकि तेज रोशनी से आंखों को बचाना है बस। नहीं नहीं उतारना नहीं है। अच्छा वैसे दीदी आप चश्मा लग ही गया है तो क्यों ना थोड़ा सा फैशन कर ले। मिताली हम काम करते हैं, इसके साथ ना इनको एक वेस्टर्न ड्रेस बनवा देते हैं, इस चश्मे के साथ ये बड़ी सोनी लगेंगी। और दासी मैं दादी को देखकर गाना गाऊंगी। ओ दादी ये सफेद चश्मा जचता है सोने मुखड़े पर। मर्जी इतना मजाक करती है, अभी आएगा ना फिर देखना उसने मेरा कितना मजाक उड़ा। अब ये आलिया वापस कैसे आ गई? मेरा ब्रीफकेस तो वही है, लगता है गलती से खुला रह गया होगा। तनु भी ना, आई एम श्योर ये उसी का काम होगा, एक भी काम उससे ठीक से नहीं होता है। लॉयर का फोन। हेलो हाँ, हम बस रास्ते में ही हम लोग पहुंचने वाले हैं। या विल बी ऑन द वे। राज भैया क्या कर रहे हैं आप? चलिए यार बहुत लेट हो रहा है, जस्ट सॉर्ट दिस मैटर आउट फास्ट। यहाँ से कोई नहीं जाएगा, मैं तुमसे बात करूंगी। नहीं पहले मुझे बात करने दो। तुम क्या चुप हो, तुम मेरे साइड में जाके खड़ी हो। और तुम सुनो, हमारा तमाशा बहुत ज्यादा हो गया समझे तुम? फिर हुआ है उसका, ये पैसा पकड़ो, आधे पैसे से उसका इलाज करो, आधे से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, बात करने की तमीज सीखो तुम, समझी? ये देखो भाइयों बहनों अपनी सही औकात दिखा दी ना, पैसों से खरीदना चाहते गरीब को। चलो चलो आ जाओ। अरे रोक लो रास्ता, कोई आगे नहीं जाएगा। अरे ए, गरीब की बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ लगेगी। क्यों रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैंने तुमको मारा किसी को, जिसको मारा उसको पैसे दे रहा हूँ। अब कोई गाड़ी के सामने आए एक एक के ऊपर चढ़ा दूंगा मैं। अरे ये तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? राजप्रिया जल्दी चलिए ना, इतना टाइम वेस्ट हो गया ना, इस लड़की की वजह से इतना नाटक किया है ना इसने। वहां पर रजिस्ट्रेशन में अगर लेट हो गए ना, पता है कितनी बार लॉयर का फोन आ रहा था, मैं उठा भी नहीं पाई।
अरे टेंशन मत लो, आगे ट्रैफिक नहीं है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी गाड़ी के सामने कोई भी आ जाए, ये गाड़ी अपनी मंजिल पे ही जाके रुकेगी। एक बार बस की रजिस्ट्रेशन हो जाए, फिर देखना आप, मेरी जीत उस प्रज्ञा की आत्मा को आखिरी श्रद्धांजलि होगी, फिर हमें कोई नहीं रोक पाएगा। I'm sure, ये सारी प्रॉब्लम ना प्रज्ञा के भूत ने की होगी। लास्ट टाइम भी उसी ने बारिश करवाई होगी ताकि सारे ऑफिसेज बंद हो जाए और हमारे काम रुक जाए। अब कोई नहीं रोक पाएगा तनु, अब तो बेचारी प्रज्ञा सिर्फ ऊपर से आंसू बहाएगी। आलिया, ये पेपर्स आज तुम्हें नहीं मिलेंगे, और आज चाहे मुझे वाकई मरना पड़े, ये पेपर्स मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। मेरी वजह से मेरे पति की कमाई तुम्हारे हाथ में आई थी, और अब मेरी वजह से तुम्हारे हाथ से जा रही। आवाज, आवाज कहां से आई तनु? कैसी आवाज? नहीं, पीछे से ऐसा लगा किसी के गिरने की आवाज आई। पीछे से? नहीं, पीछे तो कोई भी नहीं है। तो फिर आवाज कैसी थी? आई थिंक तुम्हारे दिल की आवाज थी, जो तुम खुद से कह रही थी कि यस आलिया, तुमने कर दिखाया। पूरब जी, प्लीज जल्दी चलिए, प्लीज जल्दी चलिए, हमें उन लोगों से पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचना है, कैसे भी करके, वरना दीदी फंस जाएंगी। उन्होंने उन्हें देख लिया ना तो हम सब फंस जाएंगे। प्लीज जल्दी चलाइए, प्लीज प्लीज। दिशा, मैं चला ही रहा हूँ। आई नो दिस पीपल आर क्रेजी, अगर इन्होंने दी को देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे उनके साथ। बस पहुंच गए, आगे से लेफ्ट मार के राइट ले लूंगा, पहुंच जाएंगे। ये लेफ्ट राइट करते करते ना हमारी लेफ्ट राइट हो गई है, पर चलो, इतनी लंबी परेड के बाद फाइनली हमारा काम तो होने वाला है। कब तक चले हैं? हमारे घर वाले को मार के ऐसे कैसे चले? हमारा गुस्सा अब तक शांत ना हुआ, जाओ तुम सबके साथ। आज तो बंदर रुकी, इंसाफ रुकी सबसे। चलो उतरो, चलो उतरो, सब नीचे उतरो। ये यहाँ पर भी आ गई? इसने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया, इसको तो मैं देखती हूँ। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, वहाँ पर तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया, तुम यहाँ पर भी आ गई हो, अपने पति को वहाँ पर मरता हुआ छोड़ के हमारे पीछे पड़ गई हो तुम। तो फिर किसके पीछे पड़ू है? तन्ने मारे घरवाले को मारा है ना, अब तो थारे को छोड़ूंगी ना। यू अनकूत वुमन, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी जैसी गवारन को। यहाँ पर आई हूँ तमाशा करने के लिए, ताकि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाए और हमसे और पैसे ले सकूं। लिसन, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वरना जो पैसे तुम्हें दिए थे ना, वो भी तुमसे वापस ले लूंगी और तुम्हें धक्के मार कर यहाँ से निकलवाऊंगी, समझे तुम? शाबाश दिशा, बस थोड़ी देर और फिर प्रज्ञा की गाड़ी से बाहर निकलेंगे। थैंक यू दिशा, थैंक यू सो मच, तुमने वाकई सही वक्त पे एंट्री मारी, बचा लिया मुझे और पूरे परिवार को। बस दिशा, ऐसे ही उन दोनों को उलझा कर रखो, जितना गुस्सा है सब निकाल दो, बस इन्हें उलझा कर रखना। मरने नहीं चाहिए थारे पीछे, हैं? थारे पीछे तो थारे मुंह पे मारूं? मारे को तो बदला चाहिए, इंसाफ चाहिए। मारे पति को मार के भाग रही थी, हैं? ऐसे किसे जाने दूंगी, मैं तो बदला लूंगी। क्या बदला लोगी यहाँ तुम? तुम्हारे पति को टक्कर मारी तो तुम हमें टक्कर मारोगी गाड़ी से? थारी गाड़ी की जरूरत ना से, मारा हाथ ही थारे लिए काफी है। पूरा हुलिया बिगाड़ के रख दूंगी, हुलिया बिगाड़ के। आपका काम हो जाएगा मैडम। वैसे आप क्या लेंगी मैडम? खमन, ढोकला, पापड़ा, जलेबी? जलेबी बहुत मस्त मिलती है मैडम। मुझे अपना काम जल्दी चाहिए, वो दिला सकते हैं? क्या कर रही हो आलिया? अभी जब इतना इंतजार किया तो थोड़ा सा और सही, थोड़ा सा सब्र रख लो, हो जाएगा। आलिया, वैसे भी ये थोड़ा सा खड़ूस लग रहा है, क्या पता तुम बोलोगी और ज्यादा टाइम लगाते तुम। सब हो जाएगा शाम तक, डोंट वरी। अब देख नहीं रहे सुबह से क्या हो रहा है? पहले वो स्टूपिड सी फीमेल बीच में आ गई, पूरा टाइम वेस्ट हो गया, ऊपर से यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, कैसे काम हो मैं सबके बीच में? आलिया आलिया रिलैक्स, शाम तक तो काम हो ही जाएगा, फिर हम पार्टी करेंगे। डोंट वरी आलिया, आपकी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, यहाँ से जाने के बाद हम सबके दिन बदलने वाले हैं। आपका काम तो समझो हो ही गया मैडम, अब जो पार्टी करेंगे ना उसमें मुझे बुलाना मत भूलना। जी, आपको बुला तो लेंगे, लेकिन हमारी पार्टी में ना वो फाफड़ा, ढोकला, जलेबी ये सब कुछ नहीं होगा। क्या वो यही पेपर है? जी पक्का, यही पेपर है वो। देखिए मिस्टर लोखंडे, अब आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं,
जब वो बोल रहे हैं कि वही पेपर्स है तो वही पेपर्स होंगे ना। मैं इन पेपर्स को लेकर उतनी ही श्योर हूँ जितना आप अपने काम को लेकर हैं। तो और ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए और काम पूरा करिए। अगर ऐसा ही है तो आप यहाँ क्यों आई? आपको तो सीधे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और अपने आप को गिरफ्तार करवा लेना चाहिए। जो आप सोच रही है वैसा तो मैं नहीं करूंगा। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? मजाक तो शायद आप मेरा उड़ा रही। ये क्या है? ये पेपर है? है? ये ब्यूटी पार्लर का बिल, ये दूध की डेयरी का बिल, ये भाजी तरकारी और सब्जी का बिल, ये इलेक्ट्रिक बिल, पानी के कनेक्शन का बिल, एसी सर्विस का बिल, और ये लास्ट में आप क्या लिख रही? मैं आलिया मेहरा, मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आज मैं अपने सारे गुनाह कबूल करती हूँ। मैंने अपने परिवार को धोखा दिया है। आज तो ना वो मुहावरा चेंज करना पड़ेगा। फाइल मिली तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे बुद्धू तो हमने उनको बनाया है जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। लोहे के चने चबाया उनसे क्यों दीदी? चने तो तुमने चबाए और ऐसे चबाए कि उनके दांत खट्टे नहीं बल्कि पूरे टूट गए होंगे। लेने चली थी प्रॉपर्टी है, हाथ क्या लगा उसके? दूध का बिल, बिजली का बिल, और सबसे अच्छा तो आपका नोट, जिसको देख के ऐसा लग रहा होगा जैसे वो तवे पे बैठी है। सीरियसली जी, मैंने तो सिर्फ फाइल में फेक बिल्स लगाए थे लेकिन विनिंग स्ट्रोक तो आपने दिया। अरे क्या फनी नोट लिखा आपने, उनको इससे हंसी नहीं सिर्फ रोना आया होगा कि मैं दुनिया की सबसे घटिया लड़की हूँ, मुझे तो जेल जाना चाहिए। मतलब एक एक वर्ड उन्हें थप्पड़ की तरह लगा होगा। अरे थप्पड़ तो ये तुम्हारी दिशा ने लगाया आलिया को, मतलब मैंने सोचा था ये झगड़ा वगड़ा करेगी, ये तो हाथापाई भी उतर आई थी। हाँ दी, मैं भी ये देख के शौक था, मतलब ये तो हमारे प्लान का हिस्सा ही नहीं था। तो फिर तो मैं भी क्या करती, उस आलिया का चेहरा देख के ना मेरे अंदर गुस्सा भरने लगता है, इसलिए मेरे हाथ पैर चल गए। अच्छा, और तुम्हारी हाथ पैर चलने के चक्कर में अगर तुम्हारा घूंघट ऊपर हो जाता ना तो आप आ गए थे ना मुझे बचाने, निकाल लिया मुझे। अरे अरे, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो फाइल अब हमारे पास है और ये घर, इस घर के सारे लोग सब सेफ है, और ये सब कुछ तुम दोनों के बिना नहीं हो पाता। तुमने आज इस पूरे परिवार को बचाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं प्लीज थैंक यू मत बोलिए। ये हमारा भी घर है ना, और ये कोई हम काम नहीं कर रहे थे, अपना फर्ज निभा रहे थे। और आप मुझे अपनी छोटी बहन कहती है ना, आपकी मम्मी ने मुझे अपनी बेटी माना है, दादी मुझे अपनी बहू मानती है, तो ये सारे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने आपकी मदद की। और दी, हम हमेशा आपके साथ हैं और आपको बार बार हमारी मदद मांगने की जरूरत नहीं, और ना ही आपको बार बार ये थैंक्स बोलने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। आज अपने इस परिवार को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा ली। आज अगर ये पेपर साइन हो जाते तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। आपने मेरा मान रख लिया, इस परिवार की इज्जत रख ली। मैं जितनी बार भी आपको शुक्रिया कहूँ ना, वो सब कम होगा। बस इस तरह हम पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा बस। थैंक यू। बहुत बड़ा गुनाह था जो होने जा रहा था, पर अब इसको खत्म करने का वक्त आ गया। जो भरोसा करते हैं ना मुझ पर, वही मेरी हिम्मत है। और आज वो भरोसा टूटते टूटते बचा है। हमेशा मुझसे प्यार करते रहे। मैं आपके और इस परिवार की इज्जत को कोई किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगी। आपकी परछाई हूं, आपको हर अंधेरे से बचा कर रखूंगी।
रॉबिन कहाँ मर गया ये? जब भी बुलाओ ना तब कभी काम नहीं आता। कहाँ हो तू? कब से तुम्हें बुला रही हूँ मैं? सॉरी मैम, वो दादी ने कुछ काम कह दिया था तो वो करने लग गया था। दादी के चमचे, हर वक्त बस दादी का ही काम करते रहा करो। मैंने जो काम बुलाया वो तो तुम्हें नजर नहीं आता। हाँ बाकी घर के लोग घोड़ा इसमें मुझे ये पानी में नहीं डाला था, उन्हें सर पर लगाना था। जी मैम। जी क्या कर रहे हो? अब जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। तूने सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया था? नोट पूरा दिन सॉरी देख के नहीं चल सकती? मैम मैगजीन पढ़ने में बिजी थी, दिखा नहीं मुझे। मैगजीन बैठ कर पढ़ते हैं या फिर चलते चलते पढ़ते हैं? आलिया मैंने बोला तुम्हें सॉरी नहीं ध्यान गया मेरा। क्या हो गया? सर में दर्द है, आइस पैक लगा रही हो? तुम सर दबाओगे मेरा? नहीं थारी चिंता हो रही, तुम्हारी चिंता हो रही थी ना इसलिए मैंने पूछा। आती हूँ। दिशा क्या हुआ? चिंता कहीं दिशा ही तो वो लड़की नहीं थी? तुम सुबह से क्या कर रही थी? मैं सुबह से क्या कर रही हूँ? नहीं सुबह से कुछ भी खास नहीं किया। क्यों? मतलब सिर्फ मैगजीन नहीं पढ़ रही होगी ना, और कुछ भी कर रही होगी? मैं सुबह उठी, नाश्ता किया, दादी के साथ मंदिर में थी, फिर दासी की किचन में हेल्प भी की, बस। कुछ और नहीं किया? कहीं गई नहीं? नहीं। Are you sure? बाहर नहीं गई मैं। क्यों क्या हो गया? हाँ दिशा, मैं सोच रही थी कि हमें कभी बात करने का मौका नहीं मिला। तुमने बताया नहीं तुम कौन से शहर से आई हो। मैं शहर से नहीं, छोटे से टाउन से आई। छोटे से शहर से? कहीं वो छोटा सा शहर राजस्थान में तो नहीं? नहीं मैं हरियाणा से हूँ। तुमने कभी मारवाड़ी बोली है? मैंने मारवाड़ी बोली है? एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? बार बार मेरे क्वेश्चंस को क्यों रिपीट कर? मैंने तुमसे साफ साफ पूछा कि तुम्हें मारवाड़ी बोलनी आती है या नहीं, इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मुझे सिर्फ इंग्लिश, हिंदी और हरियाणवी बोलनी आती है। मारवाड़ी क्यों बोलूंगी मैं? और कुछ? मैं चलती हूँ, पूरब जी आने वाले होंगे। प्लीज टेक केयर। हे भगवान, कहीं से मुझ पर शक तो नहीं हो गया? सुबह से थारी मारी कर रहे थे, आलिया के सामने भी निकल गया, शक तो हो ही गया होगा इसे, तभी तो इतने सवाल कर रही थी। अभी तो मैं बच गई, पर अब से मुझे होशियार रहना होगा, जितना हो सके इससे दूर रहना होगा मुझे। मेरा इलाका है जानेमन, कहाँ बच कर जाओगी तुम? इलाका आपका है लेकिन दादी ने बोला ना कभी भी आज क्या घर वाली के साथ फ्लर्ट करो। कौन से बाहर वाली के साथ फ्लर्ट करो? लेकिन आप बाहर से आए ना तो आप बाहर वाले, और बाहर वाले के साथ मैं रोमांस नहीं कर सकती। अच्छा तो किसके साथ कर सकती हो? अरे कहाँ बच कर जाओगी जानी, और कितना तड़पाओगी तुम मुझे? बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें, अब और रुका नहीं जा रहा। अरे सिर्फ बातें, सबूत का है कि आपने मुझे मिस किया? सबूत? मेरे दिल से पूछो जो तुम्हें देखते ही इतनी तेजी से धड़कने लग गए, मेरी आंखों से पूछो जो सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रहे, और कैसे पूछे तुम्हें? बातें हैं सिर्फ बातें, और बातों से दिल नहीं भरता। अगर मुझे मिस कर रहे थे तो मेरे लिए गिफ्ट क्या लाया बैंगलोर? क्या लाया मतलब? खुद को लेकर आऊं और साथ में गिफ्ट भी लाया हूं मैं। अरे स्पेशल गिफ्ट ऐसे थोड़ी नजर आएगा, अगर तुम्हें स्पेशल गिफ्ट चाहिए तो पास आकर ले लो। आप ना सिर्फ बातें बना रहे, कोई गिफ्ट विफ्ट लाए नहीं। अरे लाया हूँ मैं, है ना? तो दीजिए, दे दो, ये लो। गिफ्ट किसी का दिल खुश करने के लिए होता है, अपना दिल बहलाने के लिए नहीं। ये तो स्टार्टर है, मेन कोर्स अभी बाकी है। मेन कोर्स? क्या है? और पैक
डब्बे में डब्बा खोलो, इसके अंदर सुपर्ब गिफ्ट है, तुम खोलो तो सही। ये सरप्राइज है या मजाक है? एक और पैकिंग। तुम खोलो तो सही, बहुत प्यारा सरप्राइज है इसके अंदर। देखिए मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। लास्ट आखिरी वाला है, इसके बाद नो मोर डब्बा। ओके प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। यू जस्ट हाय हाय भूल गई ना, मुझे पता था तू भूल ही जाएगी। ये सासू माँ और दादी सासू माँ किस लिए होती है? इसलिए होती है कि उसको पता होता है आगे क्या होने वाला है। कल करवा चौथ है। क्या करवा चौथ? करवा चौथ, करवा चौथ। तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो? हाँ। ठीक है, तो अगर तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। इनफैक्ट तुम्हें कुछ दूंगा, कुछ। अरे लाइट फ्यूज होगी फिर से। हाँ? वो देखो। हाँ? नहीं। जो बढ़िया से गिफ्ट दिया है वो बता दो दादी को। क्या गिफ्ट दिया मैंने तुम्हें? क्या गिफ्ट दिया इसने? कुछ नहीं अम्मी, ऐसे ही दिया गिफ्ट। बता ना मेरे को। अब मुझसे क्या पूछ रहे हो दादी? इसे पूछो, बताओ ना दादी को क्या गिफ्ट दिया तुम? नहीं दादी कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते। अरे दादी से क्यों छुपा रही हो? आज तक मैंने दादी से कोई बात नहीं छुपाई, तुम क्यों छुपा रही हो? फ्रेंड है। फ्रेंड है आपकी दादी? आप बता दीजिए। बताइए दादी, बेस्ट फ्रेंड से पूछ लो ना, फ्रेंड से क्या पूछना है? नहीं दादी, मैं तो मुझे तो इधर। तुम दोनों की ना शक्लें देखकर मैं समझ गई हूँ कि क्या गिफ्ट दिया है। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। तुम हंसते मुस्कुराते हो ना तो पूरा घर मुस्कुराता है, ऐसे लगता है पूरा घर खुशियों से भर गया है। और पुत्र, इस करवा चौथ पे भगवान करे तेरे पति की उम्र बढ़े और तुम दोनों का प्यार भी बढ़े, बहुत बढ़े, और इस घर में खुशियां आती रही। इतना बढ़े कि आप भी डर जाओगी। अब आप उसे आलिया, अब तुम्हें कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। उस मुन्नी की हिम्मत बढ़ती जा रही है, आज मैं आंखें दिखा रही, कल मैं ठेंगा दिखाएगी। क्या समझती क्या अपने आपको? प्रज्ञा जैसी शक्ल है तो क्या खुद को प्रज्ञा समझेगी? वो जब देखो अपने पे डोरे डालती रहती, उसके करीब आने का, उसके पास आने का एक मौका नहीं छोड़ती वो। और जब भी उसे ताना मारो इतने तेवर दिखाती है, और एटीट्यूड तो इतना बढ़ गया है कि मानो खुद को अभी की बीवी समझती हो। और मैं तो तुमसे पहले से ही कह रही हूँ कि तुम मुन्नी पे जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट करती हो। ऐसा ना हो कि खुद को प्रज्ञा समझ के हमें वो इस घर से बाहर निकाल दे, और अगर ऐसा हो तो मैं तो कहीं की जब देखो इस मुन्नी के बारे में आकर यहाँ पर मेरे पास रोती रहती, तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है क्या? टू इवन रियलाइज की हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम से होकर आ रहे हैं, पर आकर उस मुन्नी के बारे में रोती रहो। बस इस बारे में मत सोचना कि वो पेपर्स कैसे गायब हुए। यू नो इट्स सच अ बिग थिंग, कोई नॉर्मल बात नहीं कि हमारी गाड़ी में से ही वो पेपर्स गायब हो जाना। वी साइन किए हुए पेपर्स, ऐसे कोई कैसे लेकर जा सकता है? सोचा तुमने? तो ये सोचो कि पेपर्स हमें वापस मिलेंगे भी या नहीं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है तनु, बहुत ही बड़ी बात है। हमारी गाड़ी के अंदर से कोई पेपर्स लेकर गया है, ये तो वही बात होगी जैसे कोई किसी के मुंह से निवाला छीन कर लेकर जाए। और पता तो लगाना पड़ेगा ना कि किसने किया है। अनबिलीवेबल, समझ नहीं आ रहा है। आई मीन अगर वो प्रज्ञा जिंदा होती तो मुझे समझ में आता, पूरा शक उसी के ऊपर जाता। पूरब जी, आपका शेविंग किट, परफ्यूम सब कुछ रख दिया है, और तो कुछ नहीं रखना? ईशा, इन सबकी क्या जरूरत थी, मैं खुद भी कर सकता हूँ, मुझे आदत है इन सबकी। हाँ तो पहले आप अकेले थे, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप आदत डाल लीजिए कि जिंदगी भर आपके साथ कोई रहेगा, आपका काम करेगा। Hi, may we come in? ये आप इसे समझाते क्यों नहीं? हमेशा ये पैकिंग शैकिंग चल रही है। क्या हुआ दिशा? नहीं देख कुछ नहीं। अभी तू टेंशन मत लेना, ओके? अरे इससे बड़े बड़े लोग संभाले हैं हमने, तो ये क्या चीज है? और ये तो नया है म्यूजिक इंडस्ट्री में, तू टेंशन मत लेना, तेरी पेमेंट शाम को तेरे अकाउंट में आ जाएगी। मुझे पैसों की फिक्र नहीं है पूरा,
मैं बस ये कहने आया था कि तू परसों चला जाना, इतनी जल्दी क्या? यार जरूरी काम नहीं होता तो मैं नहीं जाता, और फिर एक ही दिन की तो बात है ना, मैं कल शाम तक तो आ ही जाऊंगा। शाम से पहले आना पड़ेगा तुम्हें। दिशा का पहला करवा चौथ है, अगर नहीं आए ना तो दिशा के सामने डांट लगाऊंगी। चांद आने का इंतजार मत करवाना उसे। जी चांद से पहले आ जाना, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, आना ही पड़ेगा। हाँ मेरे भाई आ जाऊंगा। मुझे क्या दिशा को बोल? मैंने सुन लिया। अच्छा मैं चलता हूँ, देर हो जाएगी। चिंता मत करो, जानती हूँ उसे, अगर कह के गया ना तो वक्त पर जरूर आ जाएगा। ये ले तेरी सर्गी, इसे सारी की सारी खानी है। व्रत रख और अच्छे से सब कुछ खा, और मेरे अभी के लिए, उसकी लंबी उम्र के लिए। और पुत्र ये जो है ना चुनरी, सुहागन की चुनरी, ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है बेटा तुझे। सदा सुहागन रहे बेटा, सदा सुहागन। ओ मिताली जी, दासी अब तू भी तेरी सास के पैर छू ले। बीजी ये तो एक दिन होता है जब बहुएं आपके सामने झुकती हैं। मुझे तो ना बड़ा मजा आ रहा है। ओए पम्मी ज्यादा खुश मत हो, तुझे भी अब दीदी के आगे झुकना है। अरे सारी बहुएं आ जाओ, सरगी खाओ, सूरज निकलने से पहले सरगी खत्म करती है। आओ आओ। हाँ भाई प्रज्ञा बेटा शुरू करना बेटा, बैठ। दादी मुझे ना भूख ही नहीं है। प्रज्ञा भूख ना हो, जब भी खाना पड़ेगा सरगी तुझे। मैंने अभी हाल ही में इंटरनेट पे पढ़ा था कि एंड में तुझे अनार का जूस जरूर पीना, अनार के जूस पीने से ना प्यास नहीं लगती, और ड्राई फ्रूट्स खाएगी ना तो दिन भर एनर्जी की कमी नहीं होगी तुझे। हाँ तू क्या यहाँ हमारा मजाक उड़ाने आया है? अरे नहीं दासी, मैं सच में देखना चाहता था कि सरगी में क्या होता है। आप पता चला कि सरगी में तो बुफे होता है, इतना खाना तो बड़े बड़े होटलों में नहीं होता है जितनी की यहाँ पर सरगी में। ओ अब समझ में आया कि ये सरगी करके पूरा दिन पत्नी अपने पति के लिए व्रत कैसे रखती है। अरे इतना खाके तो मैं 10 दिन खाना ना खाऊं। तो एक दिन व्रत रख के देख, बच्चों पता चल जाएगा कितनी भूख लगती है और कितनी नहीं लगती। अब देखो दादी, 1 कप खीर, 10 पराठे, कचौरी, मिठाइयां, आलू सब्जी, इसके बाद 4 दिन तक खाना ना खाऊं। तो फिर खा ले सरगी और रख ले व्रत, और दिखा दे तू कितनी देर भूखा रह सकता है। अरे नहीं नहीं दादी, इन्हें व्रत रखने के लिए मत कहिए। थोड़ी देर खाना नहीं मिलता तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुझे संभालना पड़ता है। व्रत रखने की जरूरत नहीं, मेरे लिए इतनी सुबह सुबह उठ गए ले भाई काफी है। ठीक है तुम्हें व्रत नहीं रखता हूँ। सुबह भी नहीं हुई और ये आवाज कहां से आ रही है? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।